हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम। सामिनल्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेमन राइस बनाएंगे, वो भी हैदराबादी स्टाइल में। एंड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी रेसिपी। सो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए, और कुछ भी सजेशंस है तो आप मुझे ज़रूर दे सकते हो। एंड लाइक कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलेंगे टाइम टू टाइम। सो लेमन राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप जितना राइस लिया है। मैंने ये बासमती राइस लिए है। इसको एकदम अच्छे से धो लिया है, 2 बार वॉश कर लिया एकदम अच्छे से। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे और 2.5 कप जितना इसमें पानी डालेंगे। सो इसमें डबल पानी नहीं लेना है, डबल से जितनी राइस की मात्रा है उससे थोड़ा सा कम पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें नमक डालूंगी मैं। अब हम इसको विसल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 2 विसल फुल गैस पर लिया है, फुल फ्लेम पर, और 1 स्लो फ्लेम पर। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। इससे क्या है, राइस पूरे अलग अलग हो जाएंगे, एक एक दाना अलग दिखेगा आपको। बट इसको ठंडा होने दे, उसके बाद इसको मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैंने पैन लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो जाए तो आप उसमें राई डालिए 1/2 टेबल स्पून और जीरा 1/2 टेबल स्पून। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो मैं 1 टेबल स्पून जितना ऐड करूंगी। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये हरी मिर्च लिए मैंने 2, और ये लाल सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता, इसको डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिला लेंगे। स्लो फ्लेम रखना है आपको। और ये मैंने ग्राउंड नट्स लिए हैं, पीनट्स 2 टेबलस्पून जितने लिए हैं, और ये चने की दाल 1 टेबलस्पून जितनी हम इसमें ऐड करें। आप चाहो तो इसको भिगो के भी डाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पर सूखी ड्राई डाली है। और ये उड़द दाल है, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड किया है। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हमें इसको चलाते रहना है स्लो फ्लेम पर। 1 मिनट बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून जितना ही सॉल्ट ऐड करना है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना इसमें डाला है, थोड़ा ही डाला है। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको सारे मेरे अपडेट्स देखने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने इसको एक आधे सेकेंड से आधे मिनट के लिए ही चलाया है। इसमें मैं पूरे राइस ऐड कर लूंगी, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, टेस्ट के अनुसार आप इसमें ऐड कीजिए नमक। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसका कितना अच्छा खिला खिला कलर आ रहा है। बट अभी मेन इंग्रेडिएंट तो बाकी है। अब हम इसमें लेमन डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लेमन डाला, 1 नींबू डाला है। इसको एकदम अच्छे से स्क्वीज करके डाल देंगे और ऑन द स्पॉट हमको गैस बंद कर लेना है। एंड देन यू कैन मिक्स इट। आप उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बट गैस जरूर बंद कीजिए। और ये मैं यहाँ पर कुछ धनिया पत्ता है वो ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी। लुक एट द कलर, कितना अच्छा कलर आया है लेमन राइस का। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स, एंड जस्ट ट्राई टू मेक इट।